हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है टर्म्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक साइंस हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड है। इसके अलावा कुछ और भी सिंबल्स हैं, जैसे में स्क्वायर रूट, ये सब हो गया। तो अगर हम लोग जैसा कि जानते हैं, या फिर एक ब्रैकेट भी ले लें, तो यहाँ पर केवल प्लस और माइनस ही ऐसे सिंबल यहाँ पर हैं जो टर्म को दो अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जबकि मल्टीप्लाई, डिवाइड, रूट और ब्रैकेट सभी टर्म्स को ज्वाइंट करके एक टर्म बना देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस फाइव, तो क्योंकि ये दोनों प्लस से अलग है तो हम इसमें लिखेंगे कि ये दो टर्म्स हैं। इसी तरीका से x माइनस फाइव में भी दो टर्म आएगा, लेकिन अगर ये x इंटू टू यानी कि 2x रहा तो ये मल्टीप्लाई इसे सिंगल टर्म बना देगा। हम लोग इसको बोलेंगे सिंगल टर्म। अगर x बाई टू रहा या x डिवाइडेड बाई टू रहा तो ये भी हमारा सिंगल टर्म चला आएगा। इसी तरीका से x प्लस फाइव, अभी ये दो अलग अलग टर्म है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें एक ब्रैकेट को डाल देंगे तो अब ये बन गया सिंगल टर्म। और इसी तरीका से अगर हम लोग x प्लस फाइव, अभी दो टर्म है, इसमें अगर हम ये रूट डाल देंगे तो ये भी बन जाएगा सिंगल टर्म। तो इस तरीका से हमने यह देखा कि अगर हमारे पास बहुत सारे टर्म लिखे हुए हों और उनके बीच में प्लस या माइनस चला आए तो वह उन टर्म को अलग कर देता है, लेकिन मल्टीप्लाइड, डिवाइड, रूट या ब्रैकेट्स जैसे जो भी चीज़ आते हैं वो उनको ज्वाइंट कर देते हैं। आगे देखें, जैसे अगर हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस एक्स बाई टू अगर ये लिखा हुआ हो, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 और x स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि ये एक टर्म होगा, 5 भी एक टर्म होगा, क्योंकि इसके इस ओर माइनस है, इस ओर प्लस है। अब ध्यान दो कि यहाँ पर 3 में पूरा का पूरा डिवाइड इतना दूर से दिया जा रहा है, और इसलिए ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म माना जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास 5x माइनस 3 इंटू 2 माइनस एक्स, सॉरी, अगर हमारे पास 2x माइनस 5 प्लस 3 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स प्लस 2, अगर इस तरीका का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रैकेट के अंदर अगर देखा जाए तो ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म कहे जाएंगे, क्योंकि x और 2 के बीच में प्लस का साइन आया हुआ है। अगर ये प्लस नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी होता, तो उस केस में ये सिंगल टर्म बन जाता, लेकिन क्योंकि दोनों के बीच में प्लस या माइनस कोई भी एक साइन यहाँ पर आ रहा है, तो अभी ये दो अलग अलग टर्म है। लेकिन जैसे ही इसको ब्रैकेट के अंदर रखा गया, ये पूरा एक सिंगल टर्म बन जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग ये मंझली ब्रैकेट के अंदर कस्तीन देखें, तो इसके अंदर दो है और दो के बाद ये पूरा टर्म है, बीच में माइनस है। तो क्योंकि दो और इस पूरे टर्म को माइनस अलग अलग किए हुए हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर ये दो टर्म बोला जाएगा। अगर हम लोग इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर देखें, तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये पूरा जो मंझली ब्रैकेट के अंदर का जो चीज़ है वो सिंपल सिंगल टर्म समझा जाएगा, और थ्री क्योंकि मल्टीप्लाइड हो चुका है तो ये भी सिंगल टर्म में ही चला आएगा। लेकिन ये प्लस जो है वो इस पूरे टर्म को फाइव से अलग करता है,
अब ये दोनों दो टर्म हो जाएंगे, यानी अब ये कहलाएंगे टू टर्म्स। लेकिन अब अगर हम लोग ओवरऑल सीन में अगर आते हैं तो ओवरऑल सीन में एक 2x है, क्योंकि 2 और x के बीच में मल्टीप्लाइड है जो इन्हें एक सिंगल टर्म बना रहा है, और बीच में माइनस है, और माइनस के बाद ये पूरा का पूरा जो भी चीज़ है वो एक बड़ी ब्रैकेट से घिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म कहलाएगा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में बाहर से अगर देखा जाए तो केवल दो ही टर्म बोले जाएंगे। कुछ और उदाहरण को देखें, जैसे 3 माइनस 5x माइनस 2 बाई 8 इक्वल टू 8 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बाई 7। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखें तो ध्यान दिया जाए कि 5x माइनस 2, अगर केवल 5x माइनस 2 को देखा जाए तो ये दो टर्म हैं, लेकिन जैसे ही इस पूरे टर्म को 8 के द्वारा डिवाइड दिया जा रहा है तो यह डिवीजन के वजह से ये पूरा हमारा एक बन जाएगा सिंगल टर्म। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस न्यूमरेटर के फॉर्म में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये तीन अलग अलग टर्म है, लेकिन जैसे ही इस तीन अलग अलग टर्म को हम लोग 7 से डिवाइड देंगे तो क्योंकि तीनों ये डिवाइड में चला आया इसलिए पूरा अब ये एक सिंगल टर्म बच जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी केवल दो टर्म बोले जाएंगे और राइट साइड में भी केवल दो ही टर्म बोले जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग टर्म को देखते हैं, तो इसी टर्म के आधार पर अगर हम लोग देखें तो टर्म के आधार पर अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ हो, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ हो जिसमें केवल सिंगल टर्म इन्वॉल्व हो, केवल सिंगल टर्म, जैसे मैं 5x या हम 8 को ले लें, या केवल हम लोग y को ले लें, या हम लोग अंडर रूट 2x प्लस 5 को ले लें, तो ये जितना भी जो देख रहे हो हर एक में ये सिंगल टर्म को ही रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनो यानी कि सिंगल टर्म, मोनो का मतलब होता है मियल यानी टर्म। इसी तरीका से अगर सिंगल टर्म के जगह पर अगर हमारे पास केवल टू टर्म्स मौजूद हो, जैसे मैं 5x प्लस 2 या 8 माइनस 3x स्क्वायर या अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस 8, या हम एक और उदाहरण ले सकते हैं 5x प्लस 2 बाई 3 माइनस 8, ये सब। तो क्योंकि ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे जा रहे हैं इन सभी में कितने टर्म हैं, तो यहाँ पर भी दो टर्म है, यहाँ पर भी दो टर्म है, ये और ये, यहाँ पर भी दो टर्म है, ये भी दो टर्म है, ये टोटल के टोटल इसमें दो टर्म कहलाएंगे। तो इसी टर्म के आधार पर हम लोग दो टर्म वाले को नाम रखते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल। जबकि जितना जो सिंगल टर्म वाले हैं उनका नाम होगा मोनोमियल। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें दो टर्म से भी अधिक टर्म पाए जा सकते हैं, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पॉलीनोमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा टर्म, यानी कि पॉलीनोमियल का मतलब हुआ बहुत सारा टर्म, यानी जिसमें दो से ज़्यादा टर्म हो। उदाहरण के तौर पर हम लोग 5x प्लस 3 माइनस वाई, इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीनोमियल, या 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 5 माइनस 7y, इसको भी पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, या 8x द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस
3x प्लस 7, इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी में भी अगर दो से ज़्यादा टर्म अगर होगा तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं।